हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड टीवी यूज़ करते हैं या फिर आपके पास एमआई का एंड्रॉयड बॉक्स है, तो एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी कि जो गूगल ड्राइव की ऐप है उसमें अवेलेबल नहीं है। आप गूगल का प्ले स्टोर है उससे भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं गूगल ड्राइव ऐप है। अगर गूगल ड्राइव ऐप होती है दोस्तों आपके एंड्रॉयड टीवी में, तो बहुत सारे काम आप इजीली कर पाते हैं, जैसे कि आप मोबाइल से या लैपटॉप से फोटोज़ वीडियोज़ उसमें सेंड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड टीवी में, एमआई एंड्रॉयड बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों, जो एपीके फाइल्स हैं, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं, वो भी आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल ड्राइव की सहायता से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप गूगल ड्राइव को अपने एंड्रॉयड टीवी में या एमआई के एंड्रॉयड टीवी में एक्सेस कर सकते हैं, और फोटोज़ वीडियोज़ हैं वो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से सेंड कर सकते हैं, और एपीके फाइल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे डिटेल में सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, गूगल ड्राइव को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको एक फाइल एक्सप्लोरर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने एंड्रॉयड टीवी में। तो मैं सॉलिड फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ करने जा रहा हूँ, तो इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो प्ले स्टोर में जाते हैं हम। पहले प्ले स्टोर ओपन किया यहाँ से। इसके बाद दोस्तों आपको सर्च करना है यहाँ पे सॉलिड फाइल एक्सप्लोरर। तो हम सर्च में जाते हैं सॉलिड फाइल एक्सप्लोरर। आप देख सकते हैं ये वाली एप्लीकेशन है, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए यहाँ से। ये दोस्तों इंस्टॉल हो गया आपका सॉलिड एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर। तो इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से। एक्सेप्ट द लाइसेंस, इसको ओके कर देते हैं यहाँ से, डन कर देते हैं। इसके बाद में इसको फाइल की जो परमिशन है फोटोज मीडिया की, इसको अलाउ कर देते हैं। दोस्तों, सॉलिड फाइल एक्सप्लोरर आपका इंस्टॉल हो गया और इस तरीके से इसका इंटरफेस शो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस का आइकन शो हो रहा है येलो कलर का, उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे जाते हैं हम, ये सेलेक्ट हो गया, यहाँ से ओके कर देते हैं। अब आपके पास में एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, न्यू क्लाउड कनेक्शन, तो उसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, ओके कर दीजिए यहाँ से। इसके बाद आपको डिफरेंट ऑप्शन यहाँ शो हो जाएंगे, जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, FTP एक्सेट्रा। तो यहाँ से आपको गूगल ड्राइव को सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं गूगल ड्राइव। अब नेक्स्ट कर देते हैं ऊपर से, इसको नेक्स्ट कर दिया यहाँ से। इसके बाद में आप कोई नाम यहाँ शो कर सकते हैं, जैसे नाम यहाँ टाइप करना है, या फिर MTB इसको छोड़ सकते हैं, तो MT छोड़ देते हैं अभी। फिर नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद में लॉग इन इंटू गूगल ड्राइव, तो आपको गूगल ड्राइव में लॉग इन करना है, तो उसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों, जो आपका अकाउंट है गूगल अकाउंट जिससे आपका एंड्रॉयड टीवी लॉगिन है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगा, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑप्शन आ गया, यू आर लॉग्ड इन एज, जो आपका अकाउंट नेम है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको नेक्स्ट करना है यहाँ से। इसके बाद फिर नेक्स्ट करना है यहाँ से, और इसके बाद आप कनेक्ट का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से कनेक्ट करते हैं, अभी कनेक्टिंग हो रहा है, आपका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, इसको यहाँ से ओके कर देते हैं रिमोट से। ये ओके कर दिया। इसके बाद सॉलिड फाइल एक्सप्लोर कैन प्रोटेक्ट एक्सेस टू योर नेटवर्क कनेक्शन विद अ पासवर्ड, डू यू वांट टू इनेबल इट, तो इसको अभी नो ऑफ कर देते हैं, नो ऑफ। इसके बाद कुछ ये एडवर्टाइजमेंट आ गया, इसको एग्जिट कर देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका गूगल ड्राइव यहाँ पे इनेबल हो गया है, इसको आप यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। जो टॉप लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे। जैसे देख सकते हैं आपका इंटरनल मेमोरी आ गई, गूगल ड्राइव भी आ गई। तो आप गूगल ड्राइव को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आप डिफरेंट फाइल्स यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जो भी आपके फाइल्स फोल्डर्स हैं वो आपके शो हो जाएंगे। अगर आप कोई एप्लीकेशन चाहें तो यहाँ से सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल ड्राइव से ऐप को। आप APK फाइल को सेव कर दीजिए और यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ऐप्स में जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से कोई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाली एप्लीकेशन है, वूट वाली ऐप है, ये इंस्टॉल करनी मुझे, तो यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ मैं इसको, तो यहाँ से ये इंस्टॉल हो जाएगी। पैकेज इंस्टॉलर पर सेलेक्ट किया, इसके बाद में ओनली वंस को सेलेक्ट किया, और आपकी ये एप्लीकेशन वूट यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगी। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल हो रही है। सिक्योरिटी रीजन, फोन इज़ नॉट अलाउड टू इंस्टॉल अननोन ऐप्स, तो इसको सेटिंग जाके आपको इनेबल करना पड़ेगा अननोन सोर्सेज को। तो यहाँ से इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, सॉलिड फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका ये ओके हो गया, अब आपकी एप्लीकेशन यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप गूगल ड्राइव को अपने एंड्रॉयड टीवी में या फिर MI का एंड्रॉयड बॉक्स है उसमें एक्सेस कर सकते हैं, और फाइल फोटोज़ को वहाँ से व्यू कर सकते हैं, और उसके
एंड्रॉयड टीवी की इंटरनल मेमोरी वहाँ पर आप सेव भी कर सकते हैं और जो APK फाइल है उनका आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप अपने एंड्रॉयड टीवी में या फिर MI का एंड्रॉयड बॉक्स है उसमें गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं और डिफरेंट फाइल्स और फोटोज़ को उसमें अपने व्यू कर सकते हैं एंड्रॉयड टीवी में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।